30 अक्टूबर को MiG-21 विमानों का भारतीय वायुसेना से एक लंबे युग के बाद अंत हो गया। वायुसेना के MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों ने अपनी आखिरी उड़ान राजस्थान के बाड़मेर स्थित उत्तरलाई एयरबेस से भरी और अंतिम विदाई ली। ये विमान पिछले 6 दशक से देश की सेवा कर रहे थे। MiG-21 विमान साल 1966 से भारतीय वायुसेना में सर्विस दे रहे थे। ये 1970 से लेकर 2000 के मध्य तक भारत के लड़ाकू बेड़े की रीढ़ की हड्डी बना रहा। बाद में Su-30 MKI के आने के बाद MiG-21 का भार कम हुआ। कहते हैं कि कारगिल युद्ध में MiG-21 ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। बता दें कि MiG-21 साल 1971 की जंग में एक ऐसा नाम बन गया था जिसने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। भारतीय वायुसेना के साथ काम करने वाला इसका अंतिम वेरिएंट MiG-21 बाइसन था, जिसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, बेहतर नेविगेशन और संचार प्रणालियां थी। हाल के दिनों में MiG-21 कई दुर्घटनाओं का शिकार भी हुआ था, जिसको लेकर काफी आलोचना हुई थी। इसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा उड़ाए गए विमान F-16 को मार गिराने के लिए प्रसिद्ध है।